What's up guys, welcome back to the show. आज हम देखने वाले हैं मेजर गौरव आर्य सर की डिबेट आरजू काजमी मैडम के साथ और टाइटल है भारतीय सेना का पाकिस्तान में खौफ। तो क्या है पूरा मामला देखते हैं और सर की जो बातें होने वाली काफी इंटरेस्टिंग। चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब वीडियो कर दे, लाइक 1 2 3 लेट्स गो। कि इंडिया के साथ मुकाबला करें और मैं आपको बड़ी सजेशियस और बड़ी रेलेवेंट एडवाइस दे रहा हूं, क्योंकि लोग कहते हैं आप पाकिस्तान के वेलविशर नहीं है, ठीक ही कहते हैं, लेकिन ये एडवाइस मैं दिल से दे रहा हूं, पाकिस्तान सब कुछ बंद करे अपना 20 साल के लिए, 20 साल ये कश्मीर, तुर्की, ईरान, इवन कश्मीर खत्म करो 20 साल के लिए, और 20 साल के लिए सिर्फ एक मकसद रखे पाकिस्तान, अपना एजुकेशन और अपनी इकोनॉमी, ये ठीक करनी है, एजुकेशन और इकोनॉमी पाकिस्तान को ठीक करनी है। 20 साल के लिए पाकिस्तान इसके पीछे पड़ जाए तभी कुछ दुनिया आपके सामने सर झुकाएगी। आप कुछ मत करो, अपना एजुकेशन और अपनी इकोनॉमी को आप ठीक कर लो बस, बाकी सब हेल्थ सर्विसेज, करप्शन वरप्शन है, धीरे धीरे सब चला जाएगा आपका। लेकिन अगर आपको कश्मीरी देखना है फिर आप देखते रहो फिर तो सर इकोनॉमी तो जी बताइए सर, सर इकोनॉमी तो इंडिया की भी सुना है कि काफी खराब हो चुकी है, और ये भी मैं नहीं आपके इंडियंस ही कह रहे हैं, आप ट्विटर पे भी चेक कर सकते हैं। और साथ ही जहाँ तक आप बात करें तो उसकी जो वैक्सीन बनाई आपने कोरोना की, तो वो कोरोना भी आप लोगों से हैंडल नहीं हो पा रहा, ये भी आपकी तरफ के ही लोग कह रहे हैं और इकोनॉमी की भी बात कर रहे हैं। तो क्या अच्छा नहीं होगा कि पहले अपने जो अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं या अपने जो इश्यूज हैं भारत उनको हल करे और पाकिस्तान अपने इश्यूज को हल करे, बजाय एक दूसरे को ब्लेम करने के। और साथ ही कुछ दिन पहले कि अभी तक जो है आपने देखा होगा कि आपके तो बड़े फेवरेट हैं हमारे DGISPR, उनकी तरफ से भी स्टेटमेंट्स आती रहती हैं और इमरान खान की तरफ से भी स्टेटमेंट्स आती रहती हैं कि भारत हमारे ऊपर कोई हमला करने जा रहा है। तो इन दोनों चीजों को आप कैसे देखते हैं? इमरान खान के लिए डायपर खरीद के भेजता हूँ मैं यहाँ से, तो समय लगता है कि हमला होने वाला, DGISPR के लिए भी डायपर भेज देता दोनों बोलते हैं सर, लेकिन प्लीज क्यों मुझे मरवाएंगे मेरे शो में? नहीं मैं आपको आरजू जी मैं आपको एक बात, क्योंकि मुझे हंसी आ जाती है, मेरी इतनी बुरी आदत है हंसने की और लोग मुझे कहते हैं तुम हंस के मेजर सब कुछ भी बोल रहे हो तो तुम हंस रही होती हो, मैंने कहा मैं क्या करूं मुझे हंसी आ जाती है। आरजू जी मैं आपको एक बात थोड़ा संजीदा बात कर लेते हैं, ये जो इंडियंस है ना, सिर्फ इंडियन होना क्वालिफिकेशन नहीं है, गर्व की बात है लेकिन कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। तो इंडियंस कहते हैं इकोनॉमी खराब है, आपको ये देखना है कि उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है, कि मतलब वो उनके वो कौन लोग हैं, सोर्सेज वेरीफाइड भी है नहीं, ठीक है वो देखना है। दूसरी चीज की इंडिया ने कोरोना ठीक तरीके से हैंडल नहीं करा, राइट? तो भाई अगर कोरोना ठीक तरीके से हैंडल नहीं करा तो दुनिया में कौन सा देश है जिसने हैंडल करा ठीक तरीके से कोरोना? अमेरिकन एम्पायर ठीक तरीके से कोरोना, हमारी तो पॉपुलेशन 130 करोड़ है, और चाइना जिसकी हमसे ज्यादा पॉपुलेशन है, जहां से आज भी उनका हाल खराब शुरू हुआ था, वो झूठे हैं, वो WHO की टीम को अंदर ही नहीं घुसने दे रहे, वो कह रहे हैं घुसने नहीं देते, हमारा मुल्क है तो और बुरा हाल, एक बात है उनका मुल्क है, दे डोंट अलाउ, दे डोंट अलाउ, इट्स ऑल राइट, आई मीन इट्स नॉट ऑल राइट, बट दुनिया क्या कर लेगी, आप क्या कर लोगे चाइना का? कुछ नहीं कर सकते, जब चाइना ने मना कर दिया तुम नहीं घुस सकते, नहीं घुस सकते, एंड ऑफ स्टोरी। तो ये बात है कि देखिए परफेक्ट सॉल्यूशंस कभी नहीं होते इतने बड़े मुल्क में, इटली इतना छोटा सा मुल्क है, कितनी इटली की क्या मतलब पॉपुलेशन है, कुछ भी नहीं है इटली की पॉपुलेशन, और फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है, टॉप फैसिलिटीज है, इटली नहीं मैनेज कर पाया कोविड, इटली परेशान हो गया, इतनी डेथ्स हो गई इटली में कोरोना वायरस से, उनका कोई हेड ऑफ स्टेट पता नहीं कौन रो रहा था, गा रहा था, पता नहीं क्या कर रहा था, इटली में बहुत बुरा हाल हुआ था, कोई आ रहा था बड़ा फेमस पर्सन था वहां पे, आई डोंट नो वेदर इट वाज हेड ऑफ स्टेट और समबडी, आई डोंट रिमेंबर, बट दे वर ब्रेकिंग डाउन एंड सेइंग कि वी डोंट नो हाउ टू हैंडल इट, सो इंडिया में जैसा भी हुआ है अपने हिसाब से हमने ठीक ठाक कर लिया, ऐसी बात नहीं, जहां तक इकोनॉमी की बात है, लेकिन इटली का स्टार्टिंग में आदत रुकती थी, और वैसे इकोनॉमी एक्सपैंड होती है, इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट होती है, पर जब तक आपके फंडामेंटल्स ठीक है, पाकिस्तान के नहीं है ना ठीक, जब तक आपके फंडामेंटल्स ठीक है तब तक ठीक है, इट्स ऑल राइट। कोरोना के हमारी इकोनॉमी का खास वो है ना, एक खास रूप है, एक खास रंग है हमारा इकोनॉमी का, और बीच में क्या हुआ है कि हमने इतना स्टिमुलस डाल दिया $300 बिलियन से ज्यादा, तो उसका कहीं ना कहीं तो आपको इम्पैक्ट मिलेगा, जो लोगों के लिए डाला है, जो कोरोना लड़ने के लिए डाला है, ये डाला है, तो मोटा मोटी आई थिंक वी आर नॉट परफेक्ट। मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया परफेक्ट है और इंडिया ने सब कुछ ठीक करा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मोदी जी ने हर बॉल पे छक्का मारा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, गलतियां हमसे भी हुई हैं, लेकिन इट्स ऑल राइट, इट्स ओके,
कर देंगे हम लोग, पहुंच जाएंगे वहां पे, धीरे धीरे पहुंच जाएंगे। तो मेजर साहब, और वही पहला सवाल तो आप मिस कर गए, जो आपने, जो मैंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि वहां से हमें बार बार लग रहा है कि कोई अटैक करने के लिए कोशिश कर रहा है इंडिया, तो क्यों क्यों ऐसी कोशिश हो रही है? अगर ये कभी ये नहीं बताते कि कौन कर रहा है कोशिश, कैसे इनको कैसे पता लगा, बाहरी ताकतें, बस ऐसे ही, बस न्यूज बनाने, 7,000 आते इंडिया ने मार दिया, कैसे आपको पता लगा? कोई इंटरसेप्ट है आपका, कोई टेलीफोन कॉन्वर्सेशन है, कोई प्रूफ है? नहीं, इंडिया ने मार दिया। इंडिया में 60 टेररिस्ट कैंप्स हैं, 59 नहीं है, 61 नहीं है, 60 है, मोटे मोटे फिगर बता दिए। इसी तरीके से क्यों इंडिया करेगा? क्यों लग रहा है इनको ऐसा? ऐसे डरते नहीं है, बहादुर बच्चे बनते हैं, शेर बच्चे बनते हैं, ऐसे ना डरते हैं। क्या कर देगा? आप उनसे बोले बहादुर बच्चे बने, ऐसे नहीं, जैसे वो डरते नहीं सर, बात हमारे अपने मसले हैं, हमारे अपने मसले, हम अपने मसले ठीक करेंगे, क्या करेंगे इनके पीछे लग रहेंगे अटैक करने के लिए। अच्छा मेजर साहब, आप बहुत एक्टिव हैं ट्विटर पे और सोशल मीडिया पर सब जगह, तो आपको क्या लगता है कि कितनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसी की भी, कि उधर वो क्या ट्वीट कर रहे हैं या क्या बात कर रहे हैं किसी की भी, चाहे वो कोई हेड ऑफ स्टेट हो या कुछ? अभी आपने देखा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप जो है उनका अकाउंट सस्पेंड हुआ था 12 घंटे के लिए, और यही उल्टी सुलटी ट्वीट्स की वजह से। तो आपको क्या लग रहा है कि खासतौर पे हम लोगों के यहाँ इंडिया पाकिस्तान में जो है वो इस सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल हो रहा है या नहीं? देखिए सोशल मीडिया, मैं आपको बताता हूँ, जो सबसे जहीन लोग होते हैं, जो सबसे दानिशमंद लोग होते हैं, अखबार पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर, थोड़ा सा कम दिमाग वाले टीवी देखते हैं, थोड़ा सा कम दिमाग वाले टीवी देखते हैं, और जो सबसे नहीं मैं बता रही हूँ क्योंकि मैं ज्यादा टीवी से न्यूज़ ले लेती हूँ, अखबार का भी पढ़ती हूँ, वो मैं पराठा रखने के लिए रखा है मैंने, क्योंकि अर्जुन जी ऐसा भी होता है ना कि अखबार लेट आता है, न्यूज़ इमीडिएट जो आ जाती है, अखबार तो अगले दिन आता है, लेकिन अभी जो जहीन इंटेलेक्चुअल लोग हैं, दानिशमंद लोग हैं, वो एडिटोरियल पढ़ेंगे, ये सब एक बात है। फिर उसके बाद टेलीविजन है, सबसे नीचा दर्जा है सोशल मीडिया का, सोशल मीडिया को आप रेगुलेट नहीं कर सकते जब तक कि आपको ये ना लगे। और सोशल मीडिया, आपने ट्रम्प को बंद कर दिया, ट्रम्प जैसे 10 और होंगे जो करेंगे, सोशल मीडिया रेगुलेट करना बहुत मुश्किल है, बिकॉज एवरी पर्सन इज द एडिटर इन चीफ ऑफ हिज ओन ट्विटर हैंडल, वो अपने ट्विटर हैंडल की पॉलिसी खुद ही बनाता है, तो ये थोड़ा मुश्किल है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखानी चाहिए, आप अपने विचार व्यक्त करें, जो आपकी जिसको कहते हैं इजहार राय, वो बहुत जरूरी है, करना भी आपको चाहिए, लेकिन अगर मैं बोलूं कि यू नो कि सब कुछ जिसको खुलाई खेल करना है, तो ये तो गलत है, क्योंकि देयर शुड बी सम दिस थिंग दैट नुकसान ना पहुंचे किसी को। लेकिन वही चीज है जी, वही चीज है, जैसे आप बात कर रहे थे मेजर साहब कि न्यूज़पेपर बाद में आता है और न्यूज सारा दिन 24 घंटे चल रही होती है, तो वो हमें टीवी से मिल जाती है, तो इस वजह से शायद मैं टीवी ज्यादा देखती हूँ। लेकिन बास चीजें ऐसी होती है जैसे बजट स्पीच, वो कभी समझ नहीं आती जब तक कि आप उसको दूसरे दिन पेपर में ना पढ़ें। लेकिन आपको लग रहा है जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं, जो नए लोग आ रहे हैं, सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि भारत में भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, आपको लगता है कि कुछ चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, कि कुछ किसी तरीके से जो है वो होना चाहिए कि स्टूडेंट्स जो हैं वो सही न्यूज़ ले रहे हैं, सही न्यूज़ दे रहे हैं, कुछ थोड़ा बहुत होना चाहिए कंट्रोल या नहीं? क्योंकि अगेन मैं वही चाइना का नाम, खैर चाइना में तो बिल्कुल ही बंद है, और पाकिस्तान में भी बहुत दफ़ा ये बात होती है कि जी हम चेक करेंगे, हमें तो आजकल रोज़ मैसेजेस आते हैं कि जी इस तरह की न्यूज़ ना लगाएं, और एक बाकायदा एक यानी डिपार्टमेंट की तरफ से न्यूज़ चल रही होती है व्हाट्सएप पे ना, या उस पर वैसे SMS आता है। तो इस तरह की कोई चीज़ है भारत में जिससे आप ये चेक करें कि आपके स्टूडेंट्स और आपकी जो नई जनरेशन है वो इस चीज़ को सही इस्तेमाल कर रही है या नहीं? मुझे नहीं लगता जी, बोला है बीच में खबर आई थी कि सोशल मीडिया के बारे में कुछ सोचेगी सरकार, करेगी, इट्स वेरी डिफिकल्ट, मैं आपको बताता हूँ ये बहुत मुश्किल है। और देन यू सी, इसमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात आ जाएगी, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात आ जाएगी, वेरियस आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात आ जाएगी, बड़ी लंबी चौड़ी बहस है। मुझे लगता है कि रादर देन कंट्रोलिंग, वी शुड एजुकेट आवर यंग। देखिए सबसे बड़ी ट्रेनिंग जो होती है ना माँ बाप की होती है, माँ बाप अगर ट्रेन करें, माँ बाप अगर एक तरीके से ट्रेन करें बच्चे को, और बच्चे को जिम्मेदारी, देखिए वही वही चाकू है जिससे आप किचन में सब्जियां काट सकती हैं,
वही चाकू है आप जिससे कत्ल कर सकती हैं, तो आप चाकू थोड़ा ना रेगुलेट करना चाहते हैं। तो सोशल मीडिया इज लाइक दिस, यू कैन यूज इट फॉर गुड और यू कैन यूज इट ऑन समबडी, वो अपना है, अपना नुक्ता नजर है अपना। तो आई थिंक कि ज्यादा थोड़ा सा जो संस्कार, संस्कार क्या बोलते हैं उर्दू में, हाँ यही तहजीब, नहीं तहजीब, तहजीब तो कल्चर हो गया, संस्कार जो माँ बाप गुण सिखाते हैं बच्चों को, एक संस्कार देते हैं कि बेटा ये अच्छा है ये बुरा है। अगर माँ बाप ही सिखाएंगे तो जिम्मेदार इंसान बनेगा, अगर नहीं सिखाएंगे तो फिर जाहिल का बच्चा बनेगा। सुंदर है और ये ना? सही बात है कि सबसे पहले वही मैं कहता हूँ कि घर से जो शिक्षा शुरू होती है एज अ पेरेंटिंग, जब आप पहले मैं ये कहूंगी यार वो बहुत सुंदर है, हाँ वो जो आरजू काजमी है ना वो बहुत सुंदर है। सर यार मैं भेजता हूँ यहाँ से वो डायपर भेजता हूँ, डायपर भेजता हूँ, वो अच्छा लगा, रोज लगा रहता है, राजा बेटा बनते हैं ऐसे डरते हैं ना सर की बात है भाई साहब, चार चांद लगाते हैं। लेकिन वो चीज है कि सोशल मीडिया पे क्या होता है कि आपको समझना होता है क्या चीज सही है क्या चीज नहीं है, क्योंकि आपका माइंड भी, टेक्नोलॉजी है ना उसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव भी होते हैं। बाकी आई एम श्योर वीडियो देख के आपको थोड़ा सा एक मस्ती मजाक वाला अंदाज भी रहता है सर का, लेकिन काफी चीजें जानने को और भी मिलती है। जितना हो सके करते वीडियो को शेयर ताकि लोगों तक पहुंचे और लाइक भी कर दे। बाकी आपके पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताना। हाँ ये थोड़ी सी पुरानी डिबेट थी लेकिन फिर भी इंटरेस्टिंग थी, और मैडम का वो चीज है वो थोड़ी सी भी कोई वैसी बात होती है तो हंस देती है। एक अच्छा था कि पेपर मैंने पराठा रख ले रखा है। आपके पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताना। बाकी मिलते हैं आपसे एक और वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।